फ्रेंड्स, दही तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन दही मीठी और मलाईदार नहीं बनती। इसका क्या रीज़न है? मैं इस वीडियो में सारे उस ट्रिक और टिप्स को बताई हूँ, जिससे आपकी भी दही बहुत ही मलाईदार और मीठी बनेगी, जिसे बिना शक्कर के आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप दूध लें तो दूध को ज़रूर छाने। यहाँ मैं दूध को छान ले रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ पार्टिकल मिल ही जाते हैं भूस के। तो ये देखिए, पैकेट का दूध है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ 1 लीटर ये गाय का दूध लिया है। इसी से मैं बहुत ही एकदम मीठा और एकदम गाढ़ा दही बना के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। तो मैंने दूध को अच्छे से छान लिया है, अब इसको गैस पर गर्म करूंगी और कैसे इसको बॉयल करना है उसको मैं दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ गैस पर दूध रख लिया है। अभी मैंने गैस का फ्लेम एकदम हाई रखा है और यहीं खड़े रख के मैं दूध को बॉयल करूंगी। अगर जो हमारा दूध बॉयल होकर नीचे गिर जाएगा तो समझिए दूध का आधा पावर ख़त्म हो गया। तो दूध को उबालते टाइम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूध हमारा उबल के गिरे नहीं। तो देखिए, अब ये दूध उबलने वाला हो गया है। इस स्टेज पर हम गैस को मीडियम से स्लो कर देंगे और फ्रेंड्स, इस टाइम हमें एक कलछी की हेल्प से इसको अच्छे से ऐसे स्टर करना है, ताकि ये दूध उबल के बाहर ना आए। और इसको अच्छे से एकदम उबालना है, ताकि हमारी दही बिल्कुल एकदम चीनी जैसे मीठी और गाढ़ी बने। तो देखिए, एकदम इसको इस स्टेज पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2-4 मिनट के बाद जब इसका झाग ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप हमारा दूध शांत हो जाएगा, तब ये इसको उबल के गिरने का डर नहीं रहेगा। लेकिन इस स्टेज पर तो हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, स्टर करते रहना है। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमने दूध को 2 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से उबाल लिया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इस पर दूध को ठंडा होने देते हैं और फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे इसका आगे का प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स, आप इस स्टेज पर ऐसे ही चाहें तो ठंडा दूध करके आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें, चाहे हरी मिर्च या चांदी का कॉइन्स वगैरह। लेकिन मैं इसको दही से ही दही बनाऊंगी, तो मैं इसको अलग फ्लेवर देने के लिए कुछ और चीज़ें ऐड करूंगी। तो मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दिया लिया है। अगर जो आपके पास कुल्हड़ हो तो कुल्हड़ का भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास एकदम बिल्कुल साफ दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं गैस पर अच्छे से रख के गर्म करूँगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है मैं दूध में ऐड कर सकूँ। फ्रेंड्स, गांव में जो दही मिट्टी के बर्तन में बनती है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, तो वही फ्लेवर मैं दूंगी और बहुत ही बढ़िया बन के आएगी हमारी दही। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर जो आपके पास वो मिट्टी का बर्तन है जिसमें दही बनाते हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हैं दही बनाने के लिए। मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे नॉर्मल बर्तन में ही बनाऊँगी, लेकिन फ्लेवर वही मिलेगा इस दिए से। तो अब हमारा दिया अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इस दिए को इस दूध में ऐसे डाल दूंगी, ये देखिए, और तुरंत एक बर्तन से ढक दूंगी, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो इसी में रहे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद फिर मैं ये ढक्कन हटा के और दिया को निकाल लेती हूँ। इसको निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अभी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दूध में, और इस दूध को अब ऐसे खुला ही रखना है, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो, फिर आगे मैं दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब ये दूध बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है, एकदम बॉडी टेम्परेचर का आ गया है। मैं इसमें उंगली भी डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से इसमें उंगली है। बस एक जितना हमारा शरीर गर्म होता है उतना ही गर्म है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि ज़्यादा गर्म दूध में हम अगर जो खट्टा लगाएंगे तो हमारी दही बहुत ही खट्टी हो जाएगी। तो हमें एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हमें दूध चाहिए। तो अब मैं इसमें खट्टा लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है दही, इसे जामुन भी बोलते हैं, खट्टा भी बोलते हैं, आप लोगों के तरफ क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ज़्यादा हम डालेंगे तो भी हमारी दही खट्टी बनेगी। तो मैं बहुत थोड़ा सा इसमें डालूंगी, और डालने के बाद इसको चम्मच से या उंगली से अच्छे से इसको हिला के मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब मैं इसको ढक दूंगी एक प्लेट से,
और इसको अब मैं एक गर्म कपड़े में लपेट दूंगी ताकि उसी गर्माहट से हमारी दही जमे और बिल्कुल मीठी गाढ़ी दही जमेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूध को गैस से नीचे उतार लिया और मैं ली हूँ एक शॉल और इसी से अच्छे से कवर कर दूंगी, क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तो हमारी दही बहुत अच्छी जमेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी रात का टाइम है तो सुबह में दिखा। अब सुबह हो गई है, अब देख लेते हैं कि हमारी दही कैसी जमी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से जम गई है हमारी दही। और अभी मैं इसको ऐसे चेक नहीं करूँगी, चेक करके आपको दिखाऊंगी नहीं, कहने का मतलब ये है। तो ये देखिए दही जमी है, बहुत परफेक्ट जमी है। लेकिन इन केस अगर जो आप दही जमाते हैं और दही नहीं अच्छे से जमती है, साइड साइड में पानी आ जाता है, तो आप इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक रख दीजिए, पूरी तरह से एकदम दही एकदम परफेक्ट आपको जम के मिलेगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि दही जमी होनी चाहिए, लेकिन अगर जो साइड से पानी छोड़ दिए दही, तब आपको उस स्टेज पे दही को फ्रिज में रखना है। तो मेरी दही तो बहुत ही परफेक्ट जमी है, लेकिन इसकी थिकनेस को और बढ़ाने के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए इसको फ्रिज में रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फ्रीजर में अभी रखा क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसका यूज करना है। तो 1 घंटे में फ्रिज बंद करके फ्रीजर में ही रख दूंगी। इसमें आइस ऐसे जमा हुआ है, हमारी दही बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो 1 घंटे बाद मैं निकाल लूंगी। अगर जो आपको ज़्यादा देर तक रखना है तो आप फ्रिज में ऐसे रखिए। तो 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है फ्रेंड्स दही को, और देखिए कितना अच्छे से यह जमी, एकदम थिक हमारी दही बन के एकदम तैयार हो गई है। आप देख पा रहे होंगे एकदम बहुत ही ठीक है ये हमारी दही। फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से दही ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मीठी दही बनती है। बिना शक्कर के आप इसको खा लेंगे, क्योंकि हमने जामुन बहुत कम डाला था एकदम ल्यूकवार्म दूध में। तो ऐसे ही आप दही बनाइएगा, एकदम बहुत ही गाढ़ी हमारी दही जमी है, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दही वाली रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।